सोशल मीडिया का जमाना है। कहते हैं कि जो यहाँ दिखता है वही बिकता है, लेकिन हर बार ये सच नहीं होता। इसी तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दरोगा एक बंद कमरे में लड़की को पकड़े हुए दिख रहा है। पहले जरा वायरल वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको पूरा मामला तफ्तीश से बताएंगे। ये देखो दरोगा कैसे जिपटा ये लेडीज के, देखिए ये देखिए दरोगा ऐसे ये गले दबाया है, ये गले देखो दबाया है, देखिए कैसे दरोगा गले दबाया, देखिए देखिए क्या कर रहा है, देखिए ये देखिए क्या कर रहा है, देखिए देखा आपने, पहली नजर में देखने में लग रहा है कि कमरे में एक पुलिस वाला किसी लड़की को परेशान कर रहा है। लड़की बार बार चिल्ला रही है, शायद किसी से मदद मांग रही है। वहीं गेट के बाहर खड़े लड़की के परिजन पूरा वीडियो कैमरे में कैद कर रहे हैं। लेकिन आप मामले को कुछ समझे और अपना दिमाग ज्यादा घुमाएं, उससे पहले वायरल वीडियो के दूसरे पहलू को भी देख लीजिए। तो देखिए, इसमें लड़की चिल्ला रही है, वही लड़की के परिजन भी बोल रहे हैं कि कपड़े फाड़ लो। परिजन जबरन पुलिस वाले को फंसाने की कोशिश में है। वीडियो में साफ ऑडियो आ रहा है कि कोई लड़की को अंदर जाने का आदेश दे रहा है। अगर आप वीडियो को जरा गहराई से देखेंगे तो साफ अंदाजा लग जाएगा। वहीं पुलिस बार बार लड़की के परिजनों से गुजारिश कर रही है कि ये मत करो, वीडियो मत बनाओ। वहीं परिजन लड़की से कह रहे हैं कि पुलिस वाला लड़की से लिपटा पड़ा है। लेकिन वीडियो को गौर से देखिए, लड़की जब पुलिस वाले पर हाथ उठाती है तो मजबूरी में पुलिस वाला उसके हाथों को पकड़ लेता है। बता दें कि सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह से कमेंट कर रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि ये वीडियो कहां का है, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि पुलिस की तरफ से पूरे मामले पर क्या कहा गया।
तो बता दी कि ये वीडियो कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पुलिस वाला लड़की के घर किसी मामले को लेकर जांच करने गया था। इसी दौरान लड़की के परिजनों ने पुलिस वाले को जबरन फंसाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले पर बयान देकर पूरा मामला ही साफ कर दिया है। सुनिए पुलिस कमिश्नर का क्या कुछ कहना है। थाना ककवन से संबंधित सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो, जिसमें कथित रूप से एक सब इंस्पेक्टर द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किए जाने को दिखाया जा रहा है, इसका गंभीरता से संज्ञान लिया गया है। इस संबंध में थाने से जो वर्जन मिला है, जो घटनाक्रम है, जो थाने द्वारा बताया गया, उसके अनुसार एक मुकदमा प्रसंग के 128/22 में जो 366 का मुकदमा लिखा गया था, अपहर्ता की बरामदगी के बाद उसके आयु और उसके बयान और उसके कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट, इसके आधार पे पीड़िता को उसके इच्छा के अनुसार उसके पति के साथ छोड़ दिया गया था, लेकिन पीड़िता का परिवार चाह रहा था कि लड़की उनके सपोर्ट कर दी जाए। आज विवेचक संबंधित उपनिरीक्षक त्यागी इस घर पर गए थे पीड़िता का आधार कार्ड लेने के लिए। वहाँ पर विवेचक में उनके साथ गए आरक्षी के साथ मारपीट की गई थी और इस उपनिरीक्षक को कमरे में बंद कर दिया गया था। जो महिला को दरोगा ने पकड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, वो पीड़िता की बड़ी बहन है और इसकी द्वारा की जा रही मारपीट को रोकने के लिए दरोगा ने उसको उसके हाथ पकड़े थे। कल दिनांक 25/12/2022 को थाना ककवन क्षेत्र का एक मामला सामने आया था। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि दिखाया गया था कि एक पुरुष सब इंस्पेक्टर और एक महिला एक कमरे में बंद है और दोनों एक अंतरंग पोजीशन में थे। इस वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा मुझे और एडिशनल DCP बेस दोनों को ये जांच सौंपी गई। वहां जाके जब पूरा मामला देखा गया, आसपास के सभी CCTV कैमरेज खंगाले गए, इंडिपेंडेंट साक्षियों के बयान लिए गए और उस परिवार से भी बात की गई, तो मामला यह निकल के आया कि एक धारा 366 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था दिनांक 3 दिसंबर 2022 को, जिसकी विवेचना के क्रम में SI गर्वित त्यागी और कांस्टेबल माधव थाना ककवन से उस गांव में गए थे और वहां जाकर पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रहे थे। उसी के दौरान उस परिवार के द्वारा SI गर्वित त्यागी और कांस्टेबल माधव को एक झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए और झूठे आरोप लगाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती आसपास के लोगों की मदद से अंदर धकेल दिया गया और उसके बाद SI गर्वित त्यागी पर झूठा आरोप लगाने के लिए उन्हें कमरे में बंद करके अपने कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। इस प्रयास को रोकने के लिए SI गर्वित त्यागी ने उस महिला के हाथ पकड़ लिए। तो सुना आपने कि आखिर कैसे लड़की के परिजन जबरन एक बेकसूर पुलिस वाले को फंसा रहे हैं। इसीलिए कहा था कि हर वायरल वीडियो के दो पहलू होते हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया और योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।